नमस्कार, देख रहे हैं आप एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतीक मिश्रा। राज्यसभा में एक होता है सभापति और एक होता है उपसभापति। सभापति उपराष्ट्रपति होता है, यही सदस्यों को शपथ दिलाते हैं, पर एक प्रोटेम चेयरमैन भी होता है। दोनों के ना रहने पर वही सदस्यों को शपथ दिलाता है, पर भारत के इतिहास में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ कि प्रोटेम चेयरमैन ने सदस्यों को शपथ दिलाई थी। ये चेयरमैन थे बाबू बनारसी दास। यह मौका आया था 1977 में। उपराष्ट्रपति बीडी जत्ती को कार्यकारी राष्ट्रपति का पद संभालना पड़ा और उपसभापति गोदे मोरारी लोकसभा के सांसद चुन लिए गए, तो 20 मार्च 1977 को यह पद भी खाली हो गया। राष्ट्रपति के आदेश पर 20 से 30 मार्च 1977 तक बाबू बनारसी दास को राज्यसभा का चेयरमैन बनाया गया। हमारी इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं बाबू बनारसी दास के बारे में कुछ रोचक बातें। आजादी की लड़ाई के चलते बाबू बनारसी दास ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए, पर खुद से जरूर पढ़ते थे। हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी पर उनकी अच्छी पकड़ थी। संस्कृत का भी उन्हें गहरा ज्ञान था। गीता से लेकर उपनिषदों पर उनकी गहरी पकड़ थी। कुछ लोग का तो यह भी कहते थे कि गांधी जी के साहित्य से लेकर तमाम महत्वपूर्ण किताबों और संसदीय नियम प्रक्रिया तक का उनको इतना ज्ञान था कि वह पेज नंबर और लाइन तक बता देते थे। यहाँ तक कि यंग इंडिया के गांधी जी ने किस अंक में क्या खास कहा ये भी बता दें। ज्यादातर पढ़ाई जेल में ही हुई। एक बार तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन अंग्रेजी में भाषण दे रहे थे, लेकिन उनका अनुवाद करने वाला कोई नहीं था। तभी बाबू बनारसी दास ने तुरंत इसका अनुवाद करना शुरू कर दिया और इसकी राष्ट्रपति ने भी सराहना की थी। वो इंग्लैंड, अमेरिका, इटली, जमैका, कैरो, रोम जैसी जगह घूम चुके थे और वहां के प्रशासन के तरीकों को अब भारत में अपनाने की सलाह देते थे। 1937 और 1946 की कांग्रेस सरकार में शामिल ज्यादातर नेताओं की तरह इनका भी धर्म को लेकर मिजाज मस्त था। ये लोग सांप्रदायिकता को बढ़ने ही नहीं देते थे। 1984 के सिख दंगों के दौरान रानीगंज लखनऊ में एक सिख मिस्त्री की दुकान पर उसके मकान मालिक ने जबरन कब्जा कर लिया। बाबूजी को खबर मिली तो वो सीधा वहीं पहुंचे और ताला तोड़कर उसके कब्जा दिलाया और कहा कि नाका थाने पर खुद जाकर सूचना दे देना कि बनारसी दास ने खुद ताला तोड़कर मुझे मेरा हक दिलाया। कहा जाता है कि बनारसी दास को बेलाग बोलने की आदत थी, इसकी वजह से घाटा भी हुआ और फायदा भी। कांग्रेस के खुले अधिवेशन में प्रधानमंत्री सहित सबको छोटे मकानों में रहने का सुझाव दे दिया था। 1952 में जवाहरलाल नेहरू की पॉलिसी का खुला विरोध कर दिया। यहाँ फायदा भी हुआ। नेहरू के ने यूपी के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत से कहा कि इस लड़के को पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया जाए। गांधी से प्रभावित नेताओं की तरह बनारसी दास भी गांवों को लेकर गंभीर थे। इन लोगों का मानना था कि भारत की प्रगति गांवों से ही होकर गुजरती है। बनारसी दास पत्रकार भी रहे थे। साप्ताहिक हमारा संघर्ष उनके संपादन में ही निकलता था। 60 के दशक के आखिर में इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। इसमें किसी को भी नहीं बख्शा जाता था। कहा जाता है कि बनारसी दास भोर में ही सारे अखबार पढ़ लेते थे। एक बार एक मीडिया हाउस के उद्घाटन में मीडिया पर इतनी जबरदस्त स्पीच दी कि लोग भौचक्के रह गए थे। तो ये थी बाबू बनारसी दास के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातें। एसपीएन 9 न्यूज के लिए प्रतीक मिश्रा की रिपोर्ट।